गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर यूट्यूब फैमिली। देखिए आज हमारे यहाँ और क्या बनने वाला है, हमारी मैडम ही बताएंगी आज क्या बनने वाला है, तो स्टार्ट करिए। सुबह सुबह हम लोग बहुत मेहनत का काम कर रहे हैं आज, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ मोमोज। सुनो ना, इससे ज़्यादा मेहनत का काम मैं करके आ चुका हूँ, तो वो फर्क नहीं पड़ता है आप अपने बॉडी के लिए, ये मैं तो सबके लिए कर रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ मोमोज, तो ये मोमोज का डोर मैं रेडी कर ली हूँ, और ये सोयाबीन है और ये पत्ता गोभी है, क्योंकि एक सप्ताह से मेरे घर में इसका डिमांड चल रहा था। मेरा बेटा बोल रहा था कि मम्मी मोमोज बना, तो मेरी बहन आने वाली थी, इतना बोली उस दिन बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा ही मेहनत हो जाएगा और मैं अकेले तो कर नहीं पाऊंगी, तो मेरी बहन आज आई है, तो मैं सोची क्यों ना बना लिया जाए। और ये रहा मेरा चटनी, चटनी का भी मतलब मैं तैयारी कर चुकी हूँ, इसको मैं भी रख रही हूँ, पीसेंगे इसको ठंडा होने के बाद, और बाकी सब ये है। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिए, अब हम मिलते हैं कुछ देर के बाद, जब मैं मोमोज रेडी कर लूँगी या फिर रेडी करते रहूँगी तब। मेरे को बेलने भी नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे बेलूं? जैसे रोटी को करते हैं वैसे, और क्या, बेलो इधर चालू है। ये मैदा है ना, वो तो मस्त गोल, इसको तो पतला बेलना है, एकदम पतला। ठीक है चलो, इधर फीलिंग स्टार्ट हो गया है, दिख तो अच्छा रहा है, उम्मीद है इसको पूरा देखते हैं कैसा बनाती हैं मोहतरमा। ये देखो कुछ भी हो पेट में तो जाएगा ना। ठीक है चलेगा, एक गोल बन जाएगा। पेट में जाके तो मिक्स ही हो जाना है, सीधा खा लो। अरे फिर तो कच्चा नहीं खा सकते ना, ठीक सही से। ऐसा ही ठीक है ना, पैकिंग ये बहुत बड़ा है, साइज नहीं है। हाँ साइज बहुत बड़ा बड़ा है, तो भाई जैसा लोई वैसे ही बनना। 40-40 रुपए का चार्ट तो छोटा गोल कर दे, अब बस इतना बड़ा सा निकाल के फिर ना ये साइड में मोटा मोटा हो जाएगी ना ज्यादा। हम लोग यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भी हम लोग बातें कर रहे हैं, जो कि है सरगुजिया। आप लोगों को सीखना है तो उसके लिए बताइएगा, तो उसके लिए वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। सरगुजिया, छत्तीसगढ़ के बीच में सरगुजिया भी बातें होती हैं। सरगुजिया हम लोग सरगुजिया के रहने वाले हैं ना, तो सरगुजिया बात है, हमारे सरगुजिया में आई है घूमने पर। ये चटनी का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है मिस भारती, यही है आज की शेफ, मोमो शेफ। इसमें तेल कर दिया है इसने, अब तुम बताओ यार कैसे बना रही हो। तेल डालने के बाद क्या है, जो भी हमारे पास टमाटर मिर्चा लहसुन अदरक है जिसमें हम लोगों ने उबाला है, उसको डाल देंगे इसमें, फ्राई करेंगे पहले। थोड़ी देर से डालेंगे जब तेल गर्म हो जाएगा तब। हाँ। और अंश को देखो ना, आज मेरे बेटे के विशेष फरमाइश पे ही बन रहा है, कई दिन से चिल्ला रहा था, बाहर से लाता था वो तो खा ही लेता था, लेकिन घर पे भी बनाओ इसका ये कहना था, अब साहब आज खाएंगे। घर में ही इसको बनाना था। ठीक है, गरम हो गया है, अब डालेंगे। वाह यार, उसके बाद इसको फिर पीसेंगे है ना। हाँ, उसके बाद इसका थोड़ा पानी सोक हो जाएगा ऐसे फ्राई करने से। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ओके ग्राइंड करेंगे, मिक्सर तैयार है हमारा ग्राइंड करने के लिए। बाबू तो कितना सारा खाएगा बेटा? एक तो खा लेगा। दस में बोल रहा था। हाँ, अगर नहीं खा पाए तो कोई बात नहीं, कितना खाएगा बाबू? तो बता, तू नहीं खा पाएगा ये बता। देखता हूँ ना। अब हम लोगों ने कुछ प्रिपेयर कर लिया है, अब इसको हम लोग जा रहे फ्राई करने के लिए, क्योंकि हम लोग फ्राई वाला खाएंगे, स्टीम वाला भी बनाएंगे उधर, उसके लिए पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग ये स्टीम के लिए। देखिए बन के कैसा निकलता है, उम्मीद है अच्छा ही बनेगा। और ये डायनासोर वाला शेप का मोमोस है। हाँ। डायनो वर्ल्ड। ये देखिए इधर इसका चटनी प्रिपेयर होकर कितना दिख रहा है, पीछे साइड है ज्यादा। ये हमारा मोमोज निकल गया है, शेप्स थोड़े अलग अलग हैं, बट दिख तो बहुत अच्छा रहा मार्केट के जैसा,
तो इसको फिर अपन अब खाएंगे भाई लोग। देखो खाया कैसे जा रहा है, कोई वेट नहीं। ये देखिए, ये है म्यूनिस, चटनी, मोमोज। मेरे बेटा कैसा लगा? अच्छा बना है? सेब अच्छा नहीं है पर टेस्टी तो है ना। ये देखिए मेरे पति को, हम लोग कभी वेट नहीं कर रहे हैं कि यानी कि वेट कर लें। ठंडा करके खाई हाँ तो नहीं रुक सकते हो। मनी कैसा है? अच्छा है। पवी कैसा है बेटा? अच्छा है। यम्मी बोलो, यम्मी है। ऐसा सेवा ये देखिए, और इन लोग के लिए आ गया। इसका सेप थोड़ा मोमोज जैसे बनाने के लिए कोशिश किए। हाँ खा लो बेटा मनी ना। गरम है ना बेटा, इसको अलग रखना ना। चलो हेलो। और अंश और खाएगा ना? सुपर डिलीशियस फेमस। सुबह सुबह नाश्ता मोमोज, ये समोसा जैसे दिख रहे थे। हाँ आपकी साली बनाई है ना। मेरे पति का मुंह तो देखो, बस मैं उन्हीं को रिकॉर्ड कर रही हूँ अपने वीडियो में। ये देख लो, हम लोग तो खा लिए, अब दोनों बहनें अब बांटने में लगी। अभी वाला का शेप देखिए। अरे मेरे को कुछ बोलने दो यार पहले। अभी अभी वाले का शेप देखिए, बनाते बनाते कितना बढ़िया हो गया। तुम कहाँ पे जा रही हो? और मैं आप लोग को खा के बताती हूँ कि कैसा टेस्ट है। पहले मैं खाती थी, अभी तक नहीं खाई थी। पहले पत्ता वाला खाती हूँ जो बहुत गर्म है। ठीक। एक बार और करके दिखा। ठीक है, अंश को भी खिलाओ। बहुत अच्छा। चलो अंश जाओ, तुम भी खाओ। अच्छा क्या पत्ता वाला खिलाओ? इसी का डिमांड था, बेचारे को कम मिला। मैं दूंगी क्या? मैं इतना थोड़ी खाऊंगी यार। राइट। गिर गया, सॉरी बेटा। बहुत टेस्टी है गाइस। मतलब हम लोग को बनाने, मेरे को तो नहीं बनाने आता है, मेरी बहन आई थी इसलिए मैं बना रही थी। और पहले तो अच्छा सेप नहीं बना था, फिर धीरे धीरे अच्छा थोड़ा सा बनने लगा। टेस्टी है, मतलब दुकान जैसा एकदम टेस्टी नहीं है, पर दुकान में पता नहीं, वो लोग डेली डेली बनाते तो उन लोग को आइडिया है। पर घर में भी बनाया है तो बहुत अच्छा बना है, फर्स्ट टाइम में तो बहुत अच्छा है। आप लोग भी बनाइएगा और खाइएगा और इन्जॉय करिएगा। तो मेरा अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।